सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको ना एक मास्क की रेसिपी जो है ना बताने लगी हूँ। रेमेडी होगी कुछ भी, जिससे आपकी स्किन जो है ब्राइट होगी, आपकी डलनेस जो है ना ख़त्म होगी और आपके फेस के ऊपर आएगा ग्लो। जो सर्दियों में जिस वजह से कई लोगों की स्किन जो है वो फटने लग जाती है और स्किन जो है ऊपर से उतरने लग जाती है ड्राइनेस की वजह से, खुश्की की वजह से, ये वो मास्क है। और इस मास्क को आप जो है ना बना के भी अपने ना एक हफ्ते के लिए फ्रिज में या फ्रिज के बगैर भी आप रख सकते हो इसे, ठीक है। ये है जी मास्क, देख रहे हो आप। तो चले चलते हैं रेमेडी की तरफ, आपको बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं ये। दीवाने हो जाओगे आप, दीवाने मेरे नहीं इस मास्क के। ओके अच्छा जी, आपने एक लेना है उबला हुआ आलू, आलू को उबाल लेना है और उसके अंदर आपने एक चम्मच डालना है कॉफ़ी का और आधा चम्मच जो है ना आपने डालना है ग्रैसलीन का। इसको आपने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हो जितनी क्वांटिटी मैंने ली है ना, इतनी ही आपने क्वांटिटी लेनी है। और आलू आपने एक ही लेना है, जिस मर्ज़ी साइज़ का ले लें, नो इशू। और आपने ले लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल, आप विटामिन ई के कैप्सूल ले लें या आप ले लें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट है विटामिन ई से, मेरे पास नहीं था, मैंने ये डाल लिया। अच्छा जी, हमने बना ली है रेमेडी मास्क की। बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप इसको मिक्स कर लो सारी चीज़ों को, तो आप ग्राइंडर में डाल के ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा, जो जंग्स होंगे ना आलू के वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना, अच्छे से साफ करना। कोई भी चीज़, कोई भी मास्क, कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को ना अच्छे से वॉश कर लिया करो, नहीं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। और कभी कभी जो है ना वो रिज़ल्ट उल्टा भी आ जाता है और आपके फेस पे हो जाते हैं दाने, ठीक है। इसलिए अपने फेस को पहले धो लिया करें। तो चले चलते हैं, मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। ऊपर और सबसे पहला ऑप्शन जो आपने करना है, अपने हाथों को हल्का सा बिल्कुल वेट कर लेना है पानी के साथ। और फिर आपने दो से तीन मिनट तक अपने फेस के ऊपर ना इसकी मसाज करनी है, ताकि ये जो मास्क है आपकी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाए। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने इसको 20 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर अप्लाई किए रखना, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, उसके बाद 20 मिनट तक इसको अप्लाई किए रखना है। ये देखें जी, मैंने हाथों को कर लिया है गीला और मैं 2 से 3 मिनट तक ना इसकी मसाज करूँगी। ये देख रहे हैं आप, अच्छे से सर्कुलर मोशन में ना आपने इसकी करनी है मसाज, ताकि ये अच्छे से स्किन के अंदर ना पेनिट्रेट हो जाए। और ये बेस्ट मास्क है सर्दियों का, जितने भी मास्क की रेमेडी मैंने लगाई है, एक मैंने काफ़ी मास्क की लगाई हुई है, वो भी बेस्ट है सर्दियों के लिए। उसके बाद ये वाला मास्क है ना दूसरे नंबर पे आता है। जितनी कुछ सर्दी पड़ रही है ना और आपकी स्किन जो है ना ख़राब हो रही है, ये बेस्ट 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 मास्क है। इस मास्क को मैं आपके सामने ही रिमूव करूँगी, ताकि आपको इसके रिजल्ट का जो है ना सही से पता चले। ये मास्क ना थोड़ा जेली जेली फॉर्म में बनेगा, तो इसको मसाज करने के लिए इसके फेस के ऊपर ना थोड़ा सा ना पानी लेना जरूरी है।
ये देखें जी, मैंने इसकी अच्छे से मसाज जो है ना अपने फेस के ऊपर कर ली है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप तकरीबन 15 मिनट के लिए लाजमी अपने फेस के ऊपर ना इसको अप्लाई किए हुए रखें, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। ये 20 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं, तो मैं दो तरीकों से आपको ये मास्क जो है ना उतारना पाऊँगी। हाफ जो है ना, ये मैंने वेट टिश्यू ले लिया। अगर किसी के पास छोटा टावल है तो टावल भी यूज़ कर सकता है, मेरे पास नहीं है तो मैं टिश्यू यूज़ करूँगी। वेट टिश्यू लिया है और आपके सामने मैं ये उतारूँगी और इसका आप ग्लो देखिएगा स्किन के ऊपर। देखें देखें स्किन के ऊपर ग्लो, इतनी सॉफ्ट इतनी सॉफ्ट इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी ना कि आपको आसानी से उतर भी रहा है। ये मास्क ना जरूर अप्लाई करिएगा, देख रहे हो ग्लो ग्लो चेक करो आप। देखो वाह। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको उतार के दिखा दिया, अब दूसरी तरफ मैं आपको हाथ से उतार के बताऊंगी। ये ना ड्राई हो चुका है, जब आप इसको ऐसे ऐसे करोगे ना, ये देखो आसानी से उतर है, बिल्कुल भी पेनफुल भी नहीं है और आसानी से आपका फेस ना उतर जाएगा। देख रहे हो आप, अब ये सारा उतार के तो मैं आपके साथ मिलती हूँ। वाह ग्लो देखें आप, इतनी सॉफ्ट स्किन है, इतनी सॉफ्ट स्किन है कि ये आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना आपको बिलीव नहीं आएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करो। मुझे दोनों तरीके जो है ना वो बेस्ट लगे हैं, वो फिर मास्क को उतारने के जो उसके, क्योंकि दोनों का एक ही है, एक ही रिजल्ट आएगा। आपको जो वाला तरीका जो है ना वो ईजी लगता है ना, आप उस तरीके से ना अपने फेस से मास्क को उतार सकते हो, ठीक है? और आप ग्लो देखें। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मास्क जो है उसकी रेमेडी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। जो कम्बिनेशन जिनकी स्किन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ड्राई स्किन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी सुपर ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये जो है ना मास्क, ये मास्क है। और ज़रूर 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 अप्लाई करो ये, ठीक है? और ये आप एक दफ़ा अपना लोगे ना तो 2 हफ्ते तो तकरीबन आपके निकल जाएंगे। अगर आपने रोज़ रोज़ ना अप्लाई करें, 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद लाजमी अप्लाई करें विंटर में। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय।